बीते दिनों निषाद पार्टी और पुलिस के बीच हुए झड़प के बाद सदर सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद और 600 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज होने के विरोध में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव के नेतृत्व में जिला अधिकारी के विजयन पांडेन से मुलाकात किया और घटना के बारे में बताते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रहलाद यादव ने कहा कि पुलिस द्वारा सदर सांसद और 600 अज्ञात साथियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है, उसे निरस्त कराने के लिए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल ने सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, सदर सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद, चंद्रबली यादव, रामभुआल निषाद, मनोरोजन यादव, दयानंद विद्रोही, सिंहासन यादव, इनामुल्ला खान, शहाब अंसारी, शकील अंसारी, राघवेंद्र तिवारी, कीर्तिनिधि पांडे, विद्या देवी, उर्मिला देवी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, समाजवादी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जगह मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, आई है अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उनकी सीमा तो रुक जाते, अपने लोगों को रोक देते, गिरफ्तारी दे देते, लेकिन मतलब बिना कुछ कहे बिना बोले अकार पुलिस टूट पड़ी। तो हम लोगों का निवेदन पहला ये है कि ये जो मुकदमा लगाया गया है वो सही नहीं लगाया गया, गलत लगाया है, दूसरे दिन लगाया गया, इसको निरस्त करवाने के लिए आप अपने स्तर से जो भी विधिक कार्रवाई है वो करें। तो वो क्योंकि गलत किए हैं लोग, तो उन लोगों पर जो भी उचित रामभुआल ने साथ ही है, रामभुआल ने साथ पूर्व मंत्री है, शाम को मीटिंग भी रखा है, आप लोगों को सूचना मिला 5 बजे। दूसरा वाला किस काम के लिए तो बता दीजिए, बता दीजिए। और एक अनुरोध छोटा सा है, एक अनुरोध छोटा सा इस अनुरोध के बाद है। 7 मार्च को हमारे समाजवादी पार्टी के सदर सांसद माननीय प्रवीण निषाद जी अपने निषाद समाज के लोगों के साथ एक ज्ञापन देने जा रहे थे मुख्यमंत्री जी के कैंप कार्यालय पर। वो कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर में स्थापित है, इसलिए वहां जाना इनका जरूरी था। रास्ते में पुलिस ने घेर करके लाठियों से बुरी तरह से पीटा और सांसद जी का भी हाथ फ्रैक्चर हुआ है, उसमें पुलिस कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए। और 2 दिन बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया इनके 600 अज्ञात साथियों पर और इन पर, तो उसको निरस्त कराने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है DM गोरखपुर को।